कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सब जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वाटर इमेज। वाटर इमेज का नाम सुनते आप जान गए होंगे, वाटर इमेज होता क्या है और इसमें करना क्या है, आइए देखिए समझते हैं वाटर इमेज क्या है। वाटर इमेज में होगा क्या, इसमें जो दर्पण होता है ना, दर्पण वो नीचे की तरफ ऐसे सोया हुआ होता है, जमीन पे सोया हुआ होता है दर्पण को। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और उसको नीचे जमीन पे रख दिया गया, तो अब वो जमीन पे जब गया ना तो वो जल प्रतिबिंब का काम करेगा। वो कैसा वर्क करेगा? जल प्रतिबिंब का। अगर उसी को ऐसे खड़ा रख दिया सीधा तो वो काम करेगा किसका? दर्पण का, मिरर इमेज का वो काम करेगा, दर्पण प्रतिबिंब का वो काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे लेट गया, सो गया बेचारा, तो वो अब किसी का काम करेगा जी? तो वो वाटर इमेज का काम करेगा। सोने का मतलब होगा अब दर्पण जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो दर्पण बनेगा वो कुछ किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ये समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस दर्पण में अगर किसी वस्तु को देखा जाए तो उसका इमेज कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। आइए इसको समझते हैं, इसका कैसा दिखता है इमेज। देखिए मान लीजिए अगर आप चार जो डिजिट लिखे हैं, चार इसका अगर आप इमेज देख रहे हैं ना, तो वो कैसा दिखेगा? उलट जाएगा। कैसा हो जाएगा? उलट जाएगा। तो इसके लिए आप एक लाइन नोट कर लीजिएगा, अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जल प्रतिबिंब में वस्तुएं नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे पलट जाती हैं, नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे पलट जाती हैं। बस ये एक लाइन याद रखिएगा और इसी लाइन के सहारे हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। जल प्रतिबिंब को इसी एक लाइन के सहारे निपटा देंगे हम लोग। बस आपको बस समझाना है कि ये कह क्या रहा है, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है? देखिए क्या लिखे हैं, वस्तुएं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पलट जाती हैं। कहने का मतलब हुआ भाई, देखिए इस चार को देखिए, जो नीचे वाला ये खंभा था ना, इसका नीचे वाला पार्ट जो खंभा सीधा खड़ा है, वो पलट करके अब क्या बन गया? ऊपर आ गया। और जो ये ऊपर में खुला हुआ मुंह है इसका, जो ऊपर की तरफ था पहले रियल इमेज में, कब? रियल इमेज के टाइम जो ऊपर वो खुला हुआ मुंह था वो अब पलट करके नीचे आ गया। किसने भाई? जब इसके अंदर इमेज बना, किसने? वाटर इमेज में ये पलट गया, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया। यही इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर वस्तुएं पलट जाती हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, बच्चे कभी कभी क्या कर जाते हैं ना, कि अगर उनसे चार का प्रतिबिंब पूछ रहे हैं तो कोई बच्चा इसको ऐसे बना देगा, सर जी ऐसे बनेगा। देखो अब वो कहेगा नहीं, आपने कहा था ऊपर से नीचे पलटती है और नीचे से ऊपर पलट सकती है, तो हम तो पलटे हैं ना ऊपर से नीचे। लेकिन भाई एक बात समझना आप लोग हमेशा, ये वाली बातें गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा है वस्तुएं ऊपर से नीचे पलटेगी, ऊपर से नीचे पलटेगी, नीचे से ऊपर पलट जाएगी, लेकिन कभी भी इसमें दाएं से बाएं नहीं पलटती, दाएं से बाएं नहीं पलटती। बस इतना याद रखिएगा कि आपको चाहे आकृति दिया हो या कोई अंक दिया हो, दाएं से बाएं नहीं पलटना है, दाएं से बाएं नहीं पलटना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये फिगर आपका क्या हो गया जी? ये वाला गलत हो गया, क्योंकि आप इसमें वस्तु को कभी भी दाएं से बाएं नहीं पलट सकते हैं। अब एक और इसी पे मैं डिजिट आपको लिख रहा हूँ, उसको समझिए। 6 लिखा मैंने और 9 लिख दिया, 69 नंबर को। अगर इसका हमें वाटर इमेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? इसका जो वाटर इमेज निकालना होगा कैसे निकलेगा? देखिए ना, 6 का ये गोला वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ऐसे, और इसका 9 का, ठीक है, गोला जिस साइड में है उसी साइड में ऊपर गया ना, कि देखिए 6 ऐसे लिखा था ना, हमने कहीं ऐसा काम किया क्या? नहीं किए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। गोला इधर की तरफ था ना, राइट तरफ था, राइट की तरफ नहीं, देखिए यहाँ ऊपर आया और ये वाला पार्ट नीचे आ गया, और यहाँ पे 9 का भी वही हुआ, जिस साइड में गोला इसका ऊपर वाला था वो ऊपर से नीचे आया उसी साइड में रहेगा, और ये वाला पार्ट जो मुड़ा हुआ है नीचे था ना, ये ऊपर चला गया। ये आपको ध्यान रखना है, वस्तुएं जब भी पलटेगी कैसे? नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे ही पलटेगी।
अब अंग्रेजी अल्फाबेट के कुछ लेटरों को देखते हैं, जैसे हमको पढ़ना हो, मान लीजिए मैंने यहाँ आर लिख दिया, आर का अगर मेरे को इमेज बनाना हो मैं कैसे बनाऊंगा? तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे होगा ठीक, और ये वाला भी तो होगा, कुछ इस तरह से हम लोगों का आर का फिगर बनेगा ठीक है। अच्छा एच के साथ क्या कंडीशन आता है, एच का देखिए तो एच में ये पलटेगा, एच का फिगर सेम का सेम ऐसे ही बनेगा, एच का फिगर जो होगा वाटर इमेज में वो सेम का सेम बनेगा। अच्छा एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के कितने ऐसे लेटर हैं जिनका वाटर इमेज हमेशा सेम होता है, जिनका वाटर इमेज हमेशा क्या होता है सेम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी अल्फाबेट के कितने ऐसे कैपिटल लेटर के लेटर है जितने जिनका जिनका जो वाटर इमेज है वो सेम होगा, तो वो ध्यान रखिएगा आप उसको उसको याद करने के लिए आप एक शब्द याद कर लीजिए, कोचिडेक्स, सी ओ सी एच आई डी ई एक्स, कोचिडेक्स, ये आप शब्द याद कर लीजिए। इसका देख लीजिए सबका मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अगर हम इन सबका वाटर इमेज निकालते हैं तो भाई के जैसा था वैसे ही ना प्रोडक्ट के आएगा, अब ओ ऊपर से नीचे पलटिए नीचे से ऊपर पलटिए सेम ही मिलेगा, सी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर पलटेंगे सेम मिलेगा, एच के साथ भी हम यहाँ पे देखे वही केस हुआ, आई को भी पलटिएगा तो इसी तरह से आएगा, डी को भी ऊपर से नीचे पलटिएगा तो सेम आएगा, ई भी सेम आएगा और एक्स भी सेम आएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है एज अ ट्रिक, ये आपको काम करेगा। कोचिडेक्स मतलब टोटल ऐसे आठ लेटर होते हैं, टोटल ऐसे आठ लेटर होते हैं जिनका वाटर इमेज जो है वो सेम होता है ठीक है, और चार ऐसे भी लेटर होते हैं जिनका वाटर इमेज भी और मिरर इमेज भी सेम होते हैं, चार ऐसे भी लेटर होते हैं। देखिए वो चार कौन कौन से होते हैं, हाई एच आई ओ एक्स, हाई ओ एक्स, एच आई ओ एक्स ठीक है, इनका इन चारों का वाटर इमेज भी वही होगा मिरर इमेज भी वही होगा, ध्यान रखिएगा कितने भाई है चार है, इन चारों का क्या होगा वाटर इमेज भी वही होगा और मिरर इमेज भी वही होगा। आइए अब कुछ आकृतियों को उलट पलट करके आपको हम बताते हैं कि उनका वाटर इमेज कैसे बनता है, कुछ आकृति रखते हैं हम लोग, अब उन आकृतियों को देखिए, मान लीजिए यहां पर मैंने एक आकृति बना दिया, अब इसका हमें वाटर इमेज बताना है, जल प्रतिबिंब हमें बताना है, तो जल प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, मैंने आपसे क्या कहा है इसमें वस्तुएं जो है वो ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर पलट जाती है, तो जो ये चीज है नीचे की तरफ थी ना, अब यही चीज कहां आ जाएगी ऊपर की तरफ आ जाएगी ठीक है, और ऊपर वाला जो था वो नीचे चला जाएगा। देखिए झंडा इधर की तरफ फहर रहा है ना, तो यहां भी इधर की तरफ ही फहरेगा, ध्यान रखिएगा। ये बातें थी आकृति की, आकृति में क्या होता है वस्तुएं ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर पलट जाती हैं, किसमें जल प्रतिबिंब में, वस्तुएं ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर पलट जाती है। आइए एक और आकृति देखते हैं इसी में, आइए एक और आकृति इसमें समझते हैं उसमें क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें कुछ इस तरह से करके बनाया गया है, ये छोटा सा मैंने बनाया है, यहाँ पे एंगल है और यहाँ डॉट लगा है ठीक। अब इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, क्या ध्यान रखना है, तो वस्तुएं ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर पलट जाती हैं, वस्तुएं ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर पलट, देखिए गोला वाला यहाँ पे अब आ जाएगा नीचे की तरफ, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है, क्या होगा ये जो ऊपर भाग था वो नीचे आ जाएगा ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट था चौड़ा वाला ये एरिया ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, किसमें वाटर इमेज में, क्या हुआ है ये वाली बातें हुई है, वस्तुएं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पलट जाती हैं, वस्तुएं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पलट जाती हैं, किसमें तो वाटर इमेज में, वाटर इमेज में वस्तुएं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पलट जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बता